नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहांगीरपुरी स्थित C&D बेस्ट रिसाइकल प्लांट का दौरा करने पहुंचे दिल्ली नगर निगम मेयर शैली ओबराय, स्थानीय विधायक, निगम पार्षद और MCD के कई अधिकारी भी रहे मौजूद। इस प्लांट में अब तक 63 लाख टन मलबे को किया जा चुका है रिसाइकल। इस मलबे को रिसाइकल कर कई अलग अलग चीजें बनाने का भी किया जाता है काम। बलसवाल लैंडफिल साइट से मलबा लाकर यही किया जाता है रिसाइकल। लैंडफिल साइट को कम करने में भी इसी प्लांट का योगदान। दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित नगर निगम का C&D वेस्ट रिसाइकल प्लांट, जिसको एशिया का सबसे बड़ा C&D वेस्ट प्लांट भी कहा जाता है, जहां आज दिल्ली नगर निगम के मेयर शैली ओबराय पहुंचे और उन्होंने इस प्लांट का जायजा लिया। दरअसल ये प्लांट नगर निगम को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाला है। फायदा इसलिए, इस प्लांट में वेस्ट मलबे, पत्थर, रोड़ी, मिट्टी, बदर पहले अलग अलग किया जाता है, कई ग्रेड में बांटा जाता है और उसके बाद इसी मटेरियल से इन्हें क्रैश करके ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि सरकारी डिपार्टमेंट नगर निगम से खरीदते हैं। ये प्लांट कैसे काम कर सकता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है और मौजूदा वक्त में इस प्लांट में 2000 मैट्रिक टन मलबा हर रोज रिसाइकल किया जाता है। इन तमाम विषयों पर मेयर शैली ओबराय ने संबंधित अधिकारी और इंजीनियर से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि 2009 से इस प्लांट को यहां पर लगाया गया है, समय के लिए प्लांट बन रहा है। विवाद भी हुए लेकिन इन सब के बीच अब तक इस प्लांट में 13 लाख मैट्रिक टन मलबे को रिसाइकल किया जा चुका है। ये प्लांट भलसवाल लैंडफिल साइट की ऊंचाई को कम करने और दिल्ली सरकार ने जो भलसवाल लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा किया है उसे पूरा करने में भी अहम योगदान दे रहा है। दरअसल भलसवाल लैंडफिल साइट से मलबा इस प्लांट में लाया जाता है और फिर उस मलबे से पहले पत्थर, रोड़ी, मिट्टी, बदरपुर अलग करके उन्हें क्रैश किया जाता है, जिससे भलसवाल लैंडफिल साइट के उपयोग में आ रहा है और उसकी ऊंचाई भी कम हो रही है। इसी मलबे से बनाई जाने वाली टाइल्स, ब्रिक्स और अलग अलग चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के कई बस स्टैंड और सांसदों के घर में लगी हुई मिल जाएंगे। अब दिल्ली नगर निगम की योजना है कि इस प्लांट को और भी बेहतर किया जाए और बड़े स्केल पर यहां पर मलबा रिसाइकल का काम शुरू हो, जिससे बलसवा लैंडफिल साइट को खत्म करने का जो टारगेट है वो भी पूरा हो और साथ ही साथ इससे नगर निगम को भी प्रॉफिट होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर अब नगर निगम का ध्यान C&D रिसाइकल प्लांट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मलबे को भी कम किया जा सके और नगर निगम का आर्थिक फायदा भी हो पाएगा। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। रिसाइकल प्लांट का आपने विजिट किया, देखा आपने पूरा, कई उपयोगिताएं, कई चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, कितना ज्यादा फायदेमंद है ये और आगे की प्लानिंग है? जी देखिए, आज हम बुराड़ी के C&D प्लांट में यहाँ पर जो हमारे यहाँ के विधायक हैं पवन शर्मा जी और जो हमारे पार्षद हैं मुकेश गोयल जी, जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, और तमाम हमारे साथ एक और पार्षद हैं इसी विधानसभा की, और साथ ही तमाम हमारे साथ MCD के जितने भी अधिकारी हैं वो आज हम सब मिलकर यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये एशिया का सबसे बड़ा C&D प्लांट है जो 2009 से यहाँ पर ऑपरेशनल है। और एट प्रेजेंट जो मुझे यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 63 लाख टन है जो यहाँ पर जो C&D है, जो मलबा का वेस्ट होता है, वो रिसाइकल हो चुका है और जो डेली की इसकी कैपेसिटी है वो 2000 टन की है। और उसको रिसाइकल करने के बाद, C&D वेस्ट को रिसाइकल करने के बाद 5 तरह के उसको सेग्रीगेट करके साइज के हिसाब से वॉशिंग करके क्रश करके 5 तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। एक -20, जो टेक्निकल लैंग्वेज में -20, -10, सॉयल, फाइन सॉयल और साथ ही सैंड, तो इन तरह से ये सब सेग्रीगेट होके निकलता है। और उसके बाद इसी C&D वेस्ट को रिसाइकल करके इंटरलॉक ब्लॉक्स को बनाया जाता है जो फुटपाथ बनाने के काम आता है, टाइल्स बनाई जाती हैं, रोड़ी, बजरी, ये सब निकल कर आता है। तो ये बहुत ही अच्छा और कामयाब प्लांट है। और जो हमारे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, लैंडफिल्स हैं, वहाँ पर बायो माइनिंग के बाद, मैं आपको थोड़ा बैक में बताना चाहूँगी कि ये C&D वेस्ट आता कहाँ से है। जो लैंडफिल्स हैं वहाँ पर एजेंसीज को ठेका दिया गया है और वहाँ पर
जितना भी कूड़ा दिल्ली का है लैंडफिल्स पे जब वो जाता है और बायो माइनिंग करने के बाद उस कूड़े को तीन भागों में सेग्रीगेट किया जाता है, इनर्ट, आरडीएफ और सीएनडी। सीएनडी मलबा है जो वहां से यहाँ पर आता है, या ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो वाला मलबा भी आता है जो लैंडफिल्स पे नहीं जाता। और अगर आज सीएनडी प्लांट्स ना हो तो समझ लीजिए ये सारा मलबा वो भी बड़े बड़े और कूड़े के पहाड़ बना दे। तो ये बहुत ही एक कामयाब प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में मैं आशा करती हूँ कि ऐसे और कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे दिल्ली। जो कूड़े का पहाड़ को कम करने का दावा लगातार किया जा रहा है, जैसे भरसवा लैंडफिल साइट की बात की जाए तो कुछ ऊंचाई कम भी हुई है, काफी ज्यादा कूड़ा कम भी हुआ है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही प्लांट योगदान दे रहा है अपना और इसी की वजह से वो प्लांट कम हो रहा है, क्या ये कहा जाए? जी देखिए, 24/7 हमारा जो भलसवा वाला लैंडफिल है वहाँ पे 24/7 काम हो रहा है, 24/7 बायो माइनिंग का काम हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया वहाँ जो टोटल कूड़ा है, टोटल वेस्ट है, उसको तीन भागों में सेग्रीगेट किया जाता है और सीएनडी मलबा और वो ही है जो इस प्लांट पर आता है और यहाँ पर उसको पूरी तरह से सेग्रीगेट करके और रिसाइकिल किया जाता है। काफी बड़ी ये लैंड है, रिसाइकल प्लांट की 7 एकड़ की लैंड, 7 एकड़ में ये पूरा सीएनडी प्लांट बना हुआ है जी। इसमें कई जगहों पर ना मिसयूज हो रहा है, जैसे कब्जे भी करने की कोशिश की जा रही है, कुछ जो कूड़े बिनने वाले हैं, कुछ जो पार्किंग वाले, क्या इस पर भी रोक लगाएंगे जिससे इस प्लांट को और आगे फ्यूचर में बड़ा किया जा सके? जी बिल्कुल, एमसीडी की हमेशा से कोशिश रही है कि किसी भी तरह की जो इलीगल एक्टिविटी है वो बिल्कुल दिल्ली में ना रहे। और रही बात इंक्रोचमेंट की, इलीगल पार्किंग की, और आज हमें यहाँ पे बताया गया कि ऐसी यहाँ पे आसपास चीजें चल रही हैं और जल्दी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। सर, रिसाइकल प्लांट के बारे में बताएं किस तरीके से काम करता है, कितना कैपेसिटी है इसकी और अब तक इसने कितना रिसाइकल कर दिया है और क्या क्या अलग अलग चीज़ें, कैसे इसको पार्ट करते हैं? अगर मैं रिसाइकलिंग की बात करूं तो सीएनडी वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो बेसिकली एक साइलेंट किलर है पूरे दिल्ली जैसे एरिया के लिए। ये दिल्ली में लैंड है नहीं, ये प्लांट 2000 टन की कैपेसिटी का प्लांट है कि 2000 टन हम रोज प्रोसेस करते हैं और रोज प्रोसेस करने के बाद इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जो हम वेस्ट रिसीव करते हैं उस वेस्ट के अंदर एग्रीगेट सॉयल सैंड रहता है जो मिक्स रहता है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि सैंड और सॉयल को अलग करना एक अपने आप में एक टास्क रहता है। तो यहाँ ये प्लांट जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट हमने लगाया है दिल्ली के अंदर, ये प्लांट आपको तीन तरह के प्रोडक्ट देता है, एग्रीगेट देता है और दो तरह की सैंड देता है। तीन तरह के, -20 mm देता है, -10 mm देता है, सैंड कोर्स सैंड देता है और फाइन सैंड देता है। ये सैंड और एग्रीगेट आप हमारे इंग्रेडिएंट बन गए। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन सैंड और एग्रीगेट को किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं बिना किसी उसके। हम इसकी टेस्ट रिपोर्ट लगाते हैं, टेस्ट में ये सैंड Zone 2 पास करता है। और आप अगर देखेंगे तो हम इसके ब्लॉक बनाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में यूज किए गए, सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी में। आपका हमारा बकरवाल में एक हाईवे बनाया है 5 किलोमीटर का, उसमें हमारे एग्रीगेट्स यूज किए गए। MP फ्लैट्स बने उसमें हमारे यूज किए गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है और आज तक 63 लाख टन मटेरियल हम यहाँ पे प्रोसेस कर चुके हैं, जो अदरवाइज अगर ये प्लांट नहीं होता तो ये 63 लाख टन भी भलसवा की लैंडफिल के ऊपर जाता मटेरियल। तो अब अगर जैसे आज की डेट में बायो माइनिंग हो रही है और वहां से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी 63 लाख टन वहां से कम कर चुके मटेरियल को, और ये 63 लाख टन को प्रोसेस अगर हमने किया तो हमने फ्रेश रिसोर्सेज को भी, 63 लाख टन जो फ्रेश रिसोर्सेज आने थे उसको भी फ्रेश यहाँ पे आने से बचाया। तो ये कंस्ट्रक्शन मलवा है, ये भलसवा लैंडफिल साइट से ही आता है, यहाँ पर इस एरिया से आता है, भलसवा साइट से नहीं आता, इस एरिया से आता है, नॉर्थ के एरिया से आता है। इस तरह के प्लांट और बढ़ाने का है सर भविष्य में? और दिल्ली में ऑलरेडी देखिए, अगर 6000 टन मलबा रोज जनरेट होता है जिसमें से 4150 टन मलबा प्रोसेस हो जाता है, 2000 टन यहाँ पर होता है। हमारे पास शास्त्री पार्क में प्लांट है, मुंडका में प्लांट है, रानीखेड़ा में प्लांट है, बकरवाला में प्लांट है, ऑलरेडी 4 प्लांट है यहाँ पर।
मेरा नाम संदीप कुमार मल्होत्रा है, मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इंडो एनवायरो से हूँ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।